हेलो एवरीवन, केस स्टडी करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एन ओपन वाटर टैंक ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद स्क्वायर बेस। एक ओपन टैंक है जिसका बेस स्क्वायर है और ऊपर से ओपन है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए फॉर्म फॉर इरिगेशन। इट शुड बी 32,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी ये उसका वॉल्यूम होना चाहिए 32,000 लीटर। सही है? तो बच्चों को पढ़ते हैं आगे क्या है। इफ द लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ ओपन टैंक बी एक्स एक्स एंड वाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो ये तो नीचे तो इक्वल ही होगा और हाइट है हमारी वाई। देन फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसका आउटर सरफेस एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो देखते हैं सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। ऊपर से खुला हुआ है तो एक तो एरिया हो गया बेस का, बेस है स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास ये वाली वॉल है जिसका एरिया होगा एक्स वाई, तो इस वाली का भी एक्स वाई होगा। ठीक है, तो चार दीवारें हैं सबका मिला के 4xy। तो ये हो गया एरिया ऑफ वॉल, बट उसने बोला है एक्स की टर्म में बताना है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ मीटर क्यूब में, क्योंकि 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम अब कितना होगा इसका, एक्स इंटू वाई 32। तो यहाँ से वाई की वैल्यू 32 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 32 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 128 बाई एक्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, उसने क्या बोला है। सो दैट कॉस्ट ऑफ मेटीरियल विल बी लीस्ट। इसको बनाने में जो मेटीरियल लगेगा उसकी कॉस्ट लीस्ट होगी जब विड्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स डेप्थ। यानी एक्स को हमें 2y के इक्वल प्रूव करना है और कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है। तो कॉस्ट मिनिमम दिखाना है तो हमें इसका पहले डेरिवेटिव करना होगा कॉस्ट का, 2x-128 अपॉन x2। और फोर मिनिमा, अगर हमें चाहिए मिनिमा तो इसको 0 के इक्वल रख के हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, x³=64, x=4 मीटर। और अब सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं ये दिखाने के लिए कि मिनिमा है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया और इसका हो गया प्लस 256 अपॉन x³। क्लियरली ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा ऑकर्स। तो इसका मतलब ये हुआ मिनिमम कॉस्ट एट x=4, और जब x 4 होगा तो y कितना होगा। ऊपर हम निकाल चुके हैं y की वैल्यू 32 बाई एक्स स्क्वायर, 32 बाई एक्स स्क्वायर यानी 2 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक बात दिख रही है कि जो x है वो ट्वाइस ऑफ y, x=2y। तो उसने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन विड्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स डेप्थ। तो ये हमने यहाँ पे हमारा प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक। तो कॉस्ट निकालनी है और रेट दे रखा है 360। तो बस ये तो आसानी है, इसमें हम यहाँ पे एक्स की जगह 360 रख देते हैं। क्योंकि हमारी कॉस्ट आई है, एक्स की जगह 360 नहीं रखेंगे, कोस्ट को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी x²+128 बाई एक्स को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, 4 का स्क्वायर 16,
प्लस 32, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था केस स्टडी का, मुझे समझ में आ गया होगा तभी। थैंक यू वेरी मच।